सुरक्षा माफिया राकेश सिंह की आज गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ लिपिक जो BSA कार्यालय सिद्धार्थनगर के धर्मेंद्र सिंह और एक अन्य टीचर गोविंद लाल, ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं। गोविंद लाल और राकेश सिंह बेतिया हाथा गोरखपुर से और धर्मेंद्र अशोक कुमार सिद्धार्थनगर सिंह की गिरफ्तारी हुई। सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड माफिया शिक्षा माफिया राकेश सिंह, इनका कार्य फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करना, नौकरी दिलाना और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना। अब तक इस जनपद में 13 मुकदमे और 44 के खिलाफ मुकदमा कायम है, जिसमें से 25 जेल जा चुके हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा STF से भी सहयोग मांगा गया है। आज की गिरफ्तारी में STF और सिद्धार्थनगर पुलिस का दोनों के संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कितना सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस के लिए सर आपके लिए? गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है और शासन के आदेश से प्रदेश के सभी जनपदों में SIT का गठन है, जिसमें KDM और एडिशनल SP रैंक के अधिकारी हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर भी है, और उसके तहत एक मुकदमा का पंजीकरण, विवेचना और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और आगे की जा रही है। जो राकेश सिंह है, इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के अन्य कौन कौन लोग हैं, इनके सहयुक्त, इनके सहयोगी और इनसे लाभान्वित होने वाले टीचर, इसकी अलग से कार्रवाई की है। साथ ही साथ ये भी प्रकाश में आया है पूछताछ पर पूर्व 2 BSA और कई लिपिक जो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ भी साज संक्रमण करके कार्रवाई की है।